है एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास सेवेंथ साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को अच्छे से स्टडी किया था कि नहीं किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, राइट, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या दिया गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसे हम लोगों ने देखा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या दिया गया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग बहुत ब्रीफली और अच्छे से समझे थे, राइट। जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी प्लांट्स रहते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद से ही क्या करते हैं, सेल्फ अपना फूड बनाते हैं और उस फूड को ऑप्टेन करते हैं, और ये फूड ऑप्टेन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, राइट। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आखिर ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है, हम प्लांट को ग्रीन प्लांट में क्या करता है, फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है, और जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर, और इससे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, और ये पूरे नेचर में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेंटेनेंस है उसको बना के रखता है, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये क्या दिया गया है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आखिर ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। So first of all we study about heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism cannot prepare their own food and depended on green plants directly, क्या दिया गया है, directly or indirectly for their nutrition. Such organism are called heterotrophs, ठीक है। तो heterotrophic nutrition में क्या होता है, ऐसे living organism या ऐसे organism जो directly या फिर indirectly रूप से किसके ऊपर dependent रहते हैं, green plants के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो अपना जो फूड है वो ओन, मतलब खुद से वो अपना फूड नहीं बनाते, वो कैसे करते हैं, वो ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से। आपको बताई थी ना कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि क्या दिया गया है कि जैसे हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो तो ग्रीन प्लांट्स हम लोग खाते नहीं हैं, ठीक है, और क्या है, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रीन प्लांट्स नहीं खाते, लेकिन कई एनिमल्स जिस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए लायन किसको खाएगा, रैबिट को या फिर गोट को, तो रैबिट और गोट ये क्या है, ये तो क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस है ना, वो क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो लायन भी तो इनडायरेक्टली रूप से ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट है ना, अगर वो ग्रीन प्लांट नहीं रहता तो क्या है, रैबिट जिंदा ही नहीं रहते, तो लायन को खाना कहाँ से मिलता है, राइट। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है, हेटरोट्रॉपस, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपस, यहाँ पे हेटरोस मतलब क्या होता है, डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट, एंडरट्रॉपस एंडरट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब क्या होता है, फीडिंग, फीडिंग मतलब डिफरेंट टाइप से फीडिंग देना ही क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉपस, ठीक है। ऑल्दो इसके बाद क्या दिया गया है, ऑल्दो मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपस बट देयर आर सम प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट। देखो आपको बताई थी पिछले क्लास में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि जितने प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब कि वो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जितने अभी अभी क्या बताई हूँ कि इनमें से सच प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो अपना जो फूड रहता है वो खुद ही नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आगे बताऊंगी आपको कि कौन सा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, खुद से खाना नहीं बनाता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेटरोट्रॉपिक प्लांट, अभी हेटरोट्रॉपिक प्लांट है इसको क्या है, क्या दिया गया उसको देखेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज शोन इन द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो, यहाँ पे दिया गया हेटरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। तो वैसे ऐसे कौन से प्लांट है जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट कहलाते हैं, तो फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक प्लांट, सेकंड वन इज स्पोरोफाइटिक प्लांट, थर्ड वन इज क्या है, इंसेक्टोवरस प्लांट, एंड लास्ट वन इज क्या दिया गया है, सिम्बायोटिक प्लांट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट्स आखिर होते क्या है, तो आज देखेंगे हम लोग पैरासाइटिक प्लांट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड,
तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, सम प्लांट्स, देखिए अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना, तो कभी कभी क्या दिया गया है कि जो मैं यानी कि स्क्रीन का जो कभी कभी जो वर्ड्स है आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना बुक खोल करके जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो अपना बुक खोल करके बैठिए और बुक से क्या करिए, जो मैं बताते जा रही हूँ उससे बुक से भी रीड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब दो बार बुक से भी अच्छे से रीड कर लेंगे ना तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ओके। तो आप बुक से बुक को पकड़ कर ही आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी रिजोल्यूशन कम हो जाता है जिसके कारण से ये क्लियर नहीं दिखाई देता। तो इसको क्लियर करने के लिए आप अपना रिजोल्यूशन, जो भी वीडियो का रिजोल्यूशन हाई करिएगा, और क्या है इसको आप जब भी पढ़ेंगे तो आप बुक ऑन कर बुक को खोल कर ही पढ़ाई करिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट क्या दिया गया है, सम प्लांट्स लाइक, सम प्लांट्स क्या दिया है, सम प्लांट्स लाइक